हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। निकटवर्ती नारनावास में सोमवार को गणपति मंडल नारनावास के तत्वाधान में क्रिकेट प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। मुख्य अतिथि रूप सिंह राठौर नारनावास ने कहा कि खेलों से ही सर्वांगीण विकास होता है, खेल को खेल की भावना से खेलना चाहिए, खेलों के बिना जीवन अधूरा है। ऐसी प्रतियोगिता के आयोजनों से मैत्री भाव बढ़ता है, खेल में हार जीत होती रहती है, जीत के लिए प्रयासरत रहना चाहिए, खेलों को नियमित रूप से खेलना चाहिए। अध्यक्षता करते हुए महेंद्र सिंह राजपुरोहित ने कहा कि प्रतियोगिता के आयोजन से खेलों को बढ़ावा मिलेगा, आने वाले समय में नए खिलाड़ी तैयार होंगे। मुख्य अतिथि रूप सिंह राठौड़ ने मैदान में विभिन्न टीमों के खिलाड़ियों का परिचय किया, साथ ही क्रिकेट बैट से एक क्रिकेट का शॉट लगाकर प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। इस प्रतियोगिता में विभिन्न गांवों के 10 टीमों ने भाग लिया। आयोजन कार्यकर्ताओं ने बताया कि विजेता टीम को ट्रॉफी के साथ नगद 5,100 रुपए प्रदान किए जाएंगे, उपविजेता को 3,100 रुपए के साथ दूसरे स्थान की शील्ड प्रदान की जाएगी। प्रतियोगिता का समापन बुधवार होगा। इस अवसर पर कैलाश कुमार, रमेश कुमार, नरेश कुमार, प्रेम प्रकाश गर्ग, हरिराम खवास, प्रवीण गर्ग, श्रवण गर्ग, अशोक मीणा, पपिया राम, विनोद धवला, नरपत कुमार, शंकर लाल, चैना राम, जितेंद्र राणा, अशोक कुमार आदि उपस्थित थे। सियाणा से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।